गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आज मैं आपको पार्ट 3 रूप बड़ा या गुण आपकी बुक रीडर का करवाऊंगी, ठीक है। गुलमोहर जो आपकी बुक है उसका पार्ट 3 पढ़कर चैप्टर रीडिंग करवा रही हूँ, आपने भी करनी है। बहुत तेज गर्मी थी, राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। महाकवि, आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता, क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता इसका फैसला कभी बाद में कर लेंगे। अभी तो मिट्टी की सुराही का ठंडा पानी पीजिए, गर्मी से राहत मिलेगी। यानी बिल्कुल, यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। अभी चलता हूँ महाराज, आप भी आराम कीजिए। सेवक, बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा पानी लाओ। जी हुजूर, लीजिए। क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? नहीं हुजूर, आज मैंने मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही में पानी भरा है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। कहाँ गई मिट्टी की सुराही? किस मूर्ख के कहने पर तूने यहाँ सोने की सुराही रखी और उसमें पानी भरा? महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ, मैंने ही यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। नेक्स्ट पेज है बेटा। महाराज, आप? हाँ महाराज, मिट्टी की सुराही बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा आप जैसे सुंदरता के पुजारी के यहाँ किसी मूर्ख ने ही मिट्टी की बदसूरत सुराही रखवाई होगी, इसलिए उसके स्थान पर मैंने सुंदर सी सोने की सुराही रखवा दी। महाराज, ऐसी सुंदरता किस काम की है? इससे तो अच्छी वह मिट्टी की बदसूरत सुराही ही थी। राजन, क्षमा कीजिएगा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। आपको पार्ट 3 इसकी अच्छी तरह रीडिंग करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय एवरीवन।